हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित बंसल है और इस ई वीडियो लेक्चर के द्वारा हम सरल रेखाओं के प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं सरल रेखा क्या होती है। सरल रेखा वह ज्यामिति आकृति है जो दो बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त होती है। इसलिए सरल रेखा के प्रक्षेप सीखने के लिए आपको बिंदुओं के प्रक्षेप की जानकारी होना आवश्यक है। मैं आशा करता हूं आपने TTC जोधपुर के YouTube चैनल पर मेरे बिंदुओं के प्रक्षेप संबंधी दोनों वीडियो देखे होंगे। मान लीजिए आपको एक रेखा PQ दी गई है। इसके दो एंड पॉइंट्स P और Q हैं। बिंदु P के दो प्रक्षेप होंगे जो क्रमशः HP एंड VP में दिखाई देंगे, जिन्हें स्मॉल p और स्मॉल p' कहा जाएगा। इसी प्रकार दूसरे बिंदु Q के भी दो प्रक्षेप प्राप्त होंगे, जिन्हें स्मॉल q और स्मॉल q' कहा जाएगा। ये दोनों प्रक्षेप क्रमशः HP एंड VP में दिखाई देंगे। स्पष्ट है, किसी सरल रेखा के प्रक्षेप प्राप्त करने के लिए हमें इस रेखा के दोनों एंड पॉइंट्स के प्रक्षेप प्राप्त करने आवश्यक हैं। रेखाओं के प्रक्षेप संबंधी एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम की चर्चा कर लेते हैं। यदि दी गई रेखा किसी तल के समानांतर है तो सर्वप्रथम उस तल में दिखने वाले प्रक्षेप को खींचेंगे, क्योंकि रेखा जिस तल के समानांतर होती है उस तल में दिखने वाले प्रक्षेप रेखा की वास्तविक लंबाई के बराबर होंगे तथा उसी कोण पर झुके होंगे जिस कोण पर दी गई रेखा दूसरे कोण से झुकी है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक रेखा PQ 70 मिलीमीटर लंबी दी गई है जो HP के तो समानांतर है और VP से 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, दी गई रेखा जिस तल के समानांतर है अर्थात HP के समानांतर है, तो HP में दिखने वाले प्रक्षेप से हम अपना कार्य शुरू करेंगे। HP में हमें टॉप व्यू दिखाई देगा, जिसे स्मॉल PQ कहेंगे। स्मॉल PQ 70 मिलीमीटर लंबा ही होगा तथा XY से उतना ही कोण बनाएगा जितनी दी गई रेखा VP से बनाती है अर्थात 30 डिग्री। अब VP की चर्चा कर लें। चूंकि दी गई रेखा VP के समानांतर तो नहीं है, तो VP में दिखाई देने वाला व्यू अर्थात फ्रंट व्यू P'Q' वास्तविक लंबाई से छोटा होगा, परंतु संदर्भ रेखा XY के समानांतर होगा। इसी प्रकार यदि दी गई रेखा VP के समानांतर है परंतु HP से कुछ कोण बनाती है, तो VP में दिखने वाला व्यू अर्थात फ्रंट व्यू P'Q' रेखा की वास्तविक लंबाई 70 मिलीमीटर के बराबर होगा तथा XY से HP से बनने वाले कोण जितना कोण ही बनाएगा अर्थात 45 डिग्री का कोण बनेगा। अब चूंकि दी गई रेखा HP के समानांतर तो नहीं है, तो HP में दिखने वाला व्यू अर्थात टॉप व्यू PQ 70 मिलीमीटर से छोटा होगा, परंतु यह संदर्भ रेखा XY के समानांतर बनेगा। दूसरा नियम, जैसा आपको विदित होगा, किसी एक बिंदु के दो प्रक्षेप को जोड़ने वाली रेखा प्रोजेक्टर लाइन या प्रक्षेप रेखा कहलाती है। ये प्रक्षेप रेखा सदैव संदर्भ रेखा XY के लंबवत रहती है। बिंदु P के दो प्रक्षेप P और P' हैं। बिंदु Q के दो प्रक्षेप Q और Q' हैं। यदि एक बिंदु के दोनों प्रक्षेप को मिलाया जाए तो बनने वाली रेखा सदैव XY के लंबवत रहेगी। अब इन नियमों को ध्यान में रखते हुए हम एक प्रश्न हल करते हैं ताकि आपको सरल रेखाओं के प्रक्षेप के सिद्धांत की जानकारी हो जाए। प्रश्न है, एक रेखा PQ लंबाई 70 मिलीमीटर HP के समानांतर और VP से 30 डिग्री का कोण बनाती है। बिंदु P HP से 30 मिलीमीटर ऊपर और VP से 50 मिलीमीटर आगे है। हमें इस रेखा के दोनों प्रक्षेप बनाने हैं। तो सबसे पहले हम संदर्भ रेखा खींचेंगे और बिंदु P की लोकेशन, जैसे मैंने बिंदुओं के प्रक्षेप में चर्चा की थी, उसे हम मार्क कर देंगे। इस प्रश्न में P' XY से 30 मिलीमीटर ऊपर तथा स्मॉल p XY से 50 मिलीमीटर नीचे दिखाई देगा। तो ये कार्य हमने कर लिया। अब इसके बाद देखिए, चूंकि दी गई रेखा HP के समानांतर है तो HP में दिखने वाले व्यू प्रक्षेप अर्थात स्मॉल PQ से हम प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि रेखा की लंबाई कितनी है। रेखा की लंबाई 70 मिलीमीटर है और HP के समानांतर है, तो HP में दिखने वाला
व्यू टॉप व्यू पी क्यू भी 70 मिलीमीटर का होगा, जिसे हमने टी एल बराबर 70 मिलीमीटर से चित्र में अंकित किया है। साथ में यही व्यू एक्स वाई से उतना ही कोण बनाएगा जितनी दी गई रेखा वी पी से बनाती है, अर्थात 30 डिग्री। तो इन दोनों जानकारियों से मैं बिंदु पी से बिंदु क्यू को प्राप्त कर लूँगा। पी क्यू प्राप्त करने के लिए बिंदु पी पर 30 डिग्री का कोण बनाऊँगा तथा उस रेखा पर 70 मिलीमीटर का चाप काटूँगा। इस चाप वाले बिंदु का नाम स्मॉल क्यू रखूँगा। इस प्रकार मुझे रेखा पी क्यू का पहला प्रक्षेप यानी एच पी में दिखने वाला व्यू स्मॉल पी क्यू प्राप्त हो गया। तो ये हमारा इस प्रश्न का दूसरा भाग हो गया। अब हम चर्चा करते हैं फ्रंट व्यू यानी वी पी में दिखने वाले व्यू को हमें कैसे खींचना है। तो देखिए, हमारे पास बिंदु P आ चुका है, बिंदु Q आ चुका है, P डैश हमने पहले ही मार्क कर लिया, अब हमें Q डैश लेकर आना है। जैसे मैंने आपको बताया, एक बिंदु के दोनों प्रक्षेप को मिलाने से जो रेखा प्राप्त होती है वह एक्स वाई के लंबवत होती है। हमें स्मॉल Q प्राप्त हो चुका है, Q डैश उस रेखा पर स्थित होगा जो एक्स वाई के लंबवत है। तो मैंने स्मॉल Q से एक रेखा खींच ली, जिसे मैंने लाल रंग के तीर से यहाँ दिखा रखा है, ये एक्स वाई के लंबवत है। जैसे मैंने आपको नियम में बताया, चूंकि दी गई रेखा पी क्यू वी पी के समानांतर नहीं है, इसलिए वी पी में दिखने वाला प्रक्षेप अर्थात पी डैश क्यू डैश 70 मिलीमीटर से कम का होगा, परंतु ये एक्स वाई के समानांतर होगा। तो मैंने पी डैश से एक रेखा खींची जो एक्स वाई के समानांतर है। अब देखिए, इस रेखा पर ही हमारा क्यू डैश स्थित होगा। तो क्यू डैश के लिए हमारे पास अब दो जानकारियाँ हैं, क्यू डैश क्यू से आने वाली रेखा पर भी है और पी डैश से आने वाली रेखा पर भी है। जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी वहाँ पर हमें स्मॉल क्यू डैश प्राप्त होगा। स्मॉल क्यू डैश को स्मॉल पी डैश से मिला देंगे, ये हमारा इस रेखा का दूसरा व्यू यानी फ्रंट व्यू प्राप्त हो गया। तो ये हमारा प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस पर एक अभ्यास प्रश्न हो गया। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।